स्टार्ट करते हैं। देखो ओए, सबसे पहले क्या चल रहा था, प्लेट टेबल सुनो, रसा ध्यान दो। सबसे पहले क्या चल रहा था, ध्यान दे, ध्यान। सबसे पहले कौन आया था, लेवाइजर दिया, फ्रॉस्ट दिया, अरे बोलो है ना, न्यूलैंड दिया, अरे दिया कि नहीं दिया, डॉगरनेस दिया, लूथरनेस दिया, सब अपना अपना सब केसेस दे दे के गया। मेंडेलीव आया, मेंडेलीव क्या किया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हम लोग को पिवट टेबल दिया, बोलो है ना सर। लाइट जलाइए, अरे ठीक है लाइट जलाइए, देखो नजर आ रहा ना, बस सुनो बात नहीं, अब सुनो मैं, हम बोलेंगे सुनो। तो सर काची पढ़ा रहे सर, पिवट टेबल चल रहा, केमिस्ट्री है ना, भूल गया का। देखो मेंडेलीव का मेरिट्स क्या था, डिमेरिट्स क्या था, सब बता चुके, बोलो है ना, अरे बोलो है ना, बोला ना, बताओ बोलो सर, मेरा देख लीजिए सर, उदाहरण देखना था, उसका अच्छाई पन क्या था, क्या स्टडी ऑफ एलिमेंट, हाँ एलिमेंट को अच्छा बोलो क्या होगा, अरे कब हुआ, कुछ काट गया था, अरे कुछ खुल गया, वो काट गया था, ध्यान दो, ध्यान दो, अरे ध्यान दो, अरे ध्यान दो, बोल रहे मेरिट्स ऑफ पिवट टेबल बताओ, स्टडी ऑफ एलिमेंट, एक तो मेरिट बताओ, सॉरी बात, और क्या था मेरिट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, और बताओ हाइड्रोजन का प्लेसमेंट, अच्छा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू, थोड़ा डीमेरिट था हाइड्रोजन का, तुम नहीं बता पाए, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, और बताओ एका एरोन, हाँ जो ये प्रेडिक्ट कर दिया था ना, ये बोरोन का पहले आएगा, इसके पहले इसे वाला है ना, और बताओ डाउटफुल एटॉमिक, डाउटफुल एटॉमिक वेट का वो से करेक्शन कर दिया था, और कुछ मेरिट, सिस्टमेटिक चार्ट बना के दिया था जो हम लोग सारे एलिमेंट ऊपर से, अच्छा कितने 63 दिया था, कितना एलिमेंट तक वो प्रेडिक्ट किया था, 63 एलिमेंट तक, कितना था 63 तक, ठीक है ना, अच्छा मेयर, लूथर मेयर जो कर्व दिया था वो टॉप में किसको रखता था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर, डाउन में किसको रखता था, असेंडिंग में कौन था, चेक कर लो, डिसेंडिंग में ध्यान दो, हम लोग ट्रिक क्या था, ठंडा ला, मतलब टॉप डिसेंडिंग लोअर असेंडिंग है कि नहीं, लूथर में इसका था ऊपर ऐसे 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 ज्यादा था, ध्यान दो है कि नहीं, इस तरह से ज्यादा था, ध्यान दो क्या हो सबसे पहले कौन आया था, लेबोइस, वो क्या बोला था, या तो मेटल है या तो है कि नहीं, रिकैप करते रहे, बीच में मेटलेट्स के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया, खत्म, फिर कौन आया, प्राउट्स, प्राउट्स क्या बोला, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, हर आइटम किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा सही बात था, नहीं था, फिर कौन आया, न्यूलैंड्स, डोमिनियन आया, वो तीन तीन चीज का ट्रेड बनाया, वो ज्यादा देर तक टिका नहीं, बोला है ना, ठीक है ना, उसके बाद कौन आया, लूथर, न्यूलैंड आया था, वो सारे क्या वो पाधा निशा कर रहा था, याद आ रहा, हर आठवां एलिमेंट पहला प्रॉपर्टी के जैसा होगा, बोला है ना, उसमें लेकिन डिमिनिट्स क्या था कि नोबल, नोबल के सर्वे नहीं आया था, आ गया तो खत्म, उसका पत्ता साफ, फिर कौन है, लूथर बेयर्स्टर, बोला है ना, समझा दी, फिर कौन है, मेंडेलीव, कौन है, मेंडेलीव है, कौन है, मेंडेलीव है, चल अब ध्यान रख, अब तो लॉस हो जाएगा,
आप और सिंह ध्यान दो सबसे पहले कॉपी बैग है मेरा का डीमेरिट्स क्या था? डीमेरिट्स बताओ, मैं एक बता दिया डीमेरिट्स क्या था, पहला डीमेरिट क्या, दूसरा क्या था, पिछले दूसरा का आइसोटॉप्स का पोजीशन नहीं बता पाया, क्यों नहीं बता पाया, कौन बताएगा सर? का एक सब्सक्राइबर बिग मास की सर मैंने कि दोनों सेम रहता है ना 39.9 39.1 है सर पेज ले क्या कहां लगे समझ में नहीं आ रहा था। और क्या डिमेरिट्स का? हाँ लाइक एलिमेंट को क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया था, एक जैसा एलिमेंट, एक जैसा एलिमेंट को दूसरे ग्रुप में, अलग अलग जैसा एलिमेंट को एक ग्रुप में डाल दिया था, बोला है ना? कोई एग्जांपल दे सकता है? डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्लेस इन अ सिंगल सेम ग्रुप एंड सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप, समझे बात सर? पीटी एंड एयू, हाँ, प्लेटिनम और गोल्ड, वो दोनों क्या है? दोनों मेटल है, दोनों शाइनी है, दोनों कॉस्टली है, दोनों, समझ आ रहा है? सर पीटी मतलब एल्युमिनियम, प्लेटिनम एयू मतलब गोल्ड, और एक मतलब गोल्ड, पीटी मतलब प्लेटिनम, हाँ, और एक होता है एयू का नाम। अभी बात करेंगे, हाँ बैठा दे, बता रहे हैं तुमको सीखना है, तुम पीछे चल जाता है, सुनो इसका क्या हो गया। अब वहां से क्या हुआ, और एक सबसे भयानक डिमेरिट जो बहुत पूछा जाता है, कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था। अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अरे था कि नहीं? क्यों? हालांकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है निकल से, लेकिन पहले रख दिया था, तो वो सब चीज अब सीखे किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। किसमें? एफिसियो निकोजन, एफिसियो निकोजन, तो निकल का ज्यादा है या कोबाल्ट का? कोबाल्ट का ज्यादा है, लेकिन निकल, निकल का कम है, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया गया। देख लो इसे 39 पॉइंट समथिंग होगा, चेक करो चेक करो कितना, देखो देखो कोबाल्ट का समथिंग क्या 58.9 है, 50.9 है, 58.9 किसका है? कोबाल्ट का, इसका 58.6 है, समझ में आया? हां यस सर, ठीक है, हेड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल कितना है सर? 58.5 58.6, हां 58.6 है, 58.9 नंदी बाप ने लिखे हो, अभी से ध्यान दो प्रिपरेशन, समझ में आया? फोटो देख लो, अभी यहां से एस ब्लॉक दोनों कवर करेंगे, इसी रिपोर्ट देते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक काल का झलक देंगे, अब क्वांटम नंबर का झलक, तो वो जो चैप्टर है अच्छा मैं इसको दूसरा दूसरा बेस पे था सर, वो जो चैप्टर है पी ब्लॉक एस ब्लॉक वो अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो झलक देंगे, झलक प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दरअसल हुआ क्या, यहाँ पर जो हम लोग का जो थोड़ा हिस्ट्री है बता रहे हैं, हुआ क्या, इतना सारा मेंडली लोग, ये लोग सब आकर के अपना अपना मनमानी करके देते गया, ठीक है ना? अब क्या हुआ नया, अब क्या हुआ नया, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया, लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया, बताएंगे कैसे बना। शुरू शुरू में क्या किया, बॉम्बार्डमेंट कराया गया इलेक्ट्रॉन का, क्या बोलतेगा एक्सरे का बॉम्बार्डमेंट, मतलब बहुत सारा पार्टिकल्स को फेंकना मेटल पे, किसपे मेटल पे, किसपे मेटल पे, लिखो अपना लिखो
मुसले कौन किया था एक्सपेरिमेंट, मुसले, लेकिन मुसले प्रेडिक्टेबल नहीं बनाया बता दे मुसले जो मतलब मेंडेलियम मान लीजिए आप समझ नहीं सकता मेंडेलियम का घर गया होगा देखा होगा बोला डोरेमोन का माइकल ट्यूशन हां उसका फोन सब में देना ठीक कौन तरीका फोन में रख और से में पढ़ेगा नहीं देंगे अभी उंगलियां पकड़ लो अरे ऐसे ये देने जाता सर सर सवाल करनी है इन्होंने हमारे सर सर मैं मुसले क्या किया सर हेनरी मुसले समथिंग कुछ नाम था मुसले क्या किया गया मान लो मेंडेलियम का घर ठीक है वो दिखाए मेंडेलियम उसको प्रेटोल दे 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 कम सजाए बनाए बोला भाई साहब आप जो किए ना बहुत अच्छा काम किए लेकिन एक चीज गलती है आप एटॉमिक नंबर पर सजाइए सारा फंडा क्लियर हो जाएगा वो बोला कैसे बोला क्या किया वो इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में बॉम्बार्डमेंट कराया मेटल सरफेस पे और क्या ऑब्टेन किया एक्सरे क्या ऑब्टेन किया एक्सरे बता लिखो लिखो न्यू मॉडर्न टू मॉडर्न प्रेडिक्टेबल मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बढ़िया से लिखाएंगे यूनिटी फंक्शन रिस्टेंस सब पढ़ाएंगे अभी नहीं अभी सब लिखो ना मॉडर्न प्रेडिक्टेबल प्रिपेयर्स prepared on the basis of atomic number kis pe atomic number theek hai Mosley did an experiment Mosley ek experiment kiya kya kya apna naam angrezi mein likho in which he bombarded high speed electron in which he bombarded atomic model high electron high speed electron and obtained x rays sare sab bata rahe hain model bombarded matlab sir matlab bahut sare electron ko fekna hai jab metal surface pe bombarded high speed electron high speed mein theek hai He found बता रहे नेक्स्ट पॉइंट सर इधर थ्योरी आएगा सर इसमें अरे बहुत इसमें खाली थ्योरी है इन और ये नहीं कहना क्या ये खाली थ्योरी आएगा मालूम है सर जो सर जेई में थ्योरी ना थ्योरी अरे आठ क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक से आएगा आठ या सात सात क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक से एकदम ऐसे थ्योरी थ्योरी क्या बोल रहे केमिस्ट्री खत्म करने में 15 मिनट इनफ है अगर तुमको आता है तो 20 क्वेश्चन खत्म कर 25 क्वेश्चन खत्म करने 15 मिनट इनफ है इनऑर्गेनिक 7 क्वेश्चन करने में 2 मिनट खाली थ्योरी बेस्ड रहेगा सवाल समझे बात कुछ कुछ रहेगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझे बात बाकी थ्योरी सवाल अरे ऐसा सवाल पूछ लेता है फॉर्मूला पूछ लेगा हाई स्पीड क्या लिखे हैं इलेक्ट्रॉन ही ऑब्टेंड तो लोग पता है एक काम बताएं तो लोग कोई नहीं करता कभी प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन से उठा के नहीं देखते तो लोग हाथ में देते फिर भी नहीं देखते तो लोग बताओ बोला हाँ या ना या सर जरूर सर ये देखता कि नहीं आप जो बोलेंगे सर वही नहीं है बुक खरीदना नहीं बुक नहीं खरीदना तो लोग जितना दे रहे सवाल मैक्सिमम बता दे प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल छोटा नहीं है उत्तर देता नहीं है सर मोस्टली डिड मुस्लिम 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 एम ओ एस सी एल वाई मुस्लिम ये ऑब्टेंड ये रिलेशन ऑब्टेंड किया था ठीक है ना और कुछ नहीं बोल अच्छा न्यू मतलब क्या है ये फ्रीक्वेंसी ये क्या जेड क्या एटॉमिक नंबर जेड क्या नजर आ रहा ग्रीन वाला अच्छा तो मुझे लाल नजर में आ रहा सर ये नजर आ रहा फ्रीक्वेंसी सर नजर तो आ ही रहा ब्लैक में लिखे हाँ सर लो लैम्डा सर नहीं अंडर रूट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर सुनो मुसले एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है सुनो सुनो फ्रीक्वेंसी का जो अंडर रूट है वो किस पे प्रोपोर्शनल है
एटॉमिक नंबर पे, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे नहीं, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझा, ठीक है। हाँ, एक ही बात है, लेकिन नहीं है म्यू म्यू, एक होता है न्यू, देखो एक होता है म्यू, एक होता है न्यू, न्यू बोलो, म्यू बोलो, न्यू है ना, मैं फर्क क्या पड़ता था, दोनों एक ही चीज है, एक तो ये हो जाता है सी बटे लैम्डा की, अरे क्या डिस्कस होती है, लिख जा रहा हूं तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट, ओए काम की जितना बदमाश, अरे नहीं सर सर जी के सर लाल वाला क्या दे दे, हम देख रहे हैं मेरा आंख कैसा खराब हो गया है, दो मेंडेलीव सुन, ध्यान दो ये बात जो भी बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, सुनो मेंडेलीव एक्सपेरिमेंट किया, सुनो ये एक्सपेरिमेंट है मेंडेलीव का और ये एक्सपेरिमेंट है मुजले का, फैलाएंगे इसको, वो जो एक्सपेरिमेंट देखा, सर 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 एक सेकंड सर, ये लो पहले नोट कर, नोट कर, लिख लिया सर, हो गया नोट सर, पूरा बताइए करना है, डायग्राम, डायग्राम नोट करना है, अरे अरे किसका, अरे जल्दी लाइए, नहीं नहीं रहने दो, अरे फोड़ रहा है, बंद हो गया, एक बंद दिया, बंद हो गया, सुनिया पहले पगला प्ले की जो करेंगे ना, ना स्विच ऑफ कर, मेंडेलीव जो बनाया है वो अंडर रूट म्यू वर्सेस एटॉमिक मास का बनाया, किसका बनाया, मास, और मुजले जो बनाया अंडर रूट म्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का बनाया, सो हुआ क्या, किस समझो क्या हुआ, सुनो पार्टीशन करके नहीं कर सकते इसको, हाँ पार्टीशन करके कर सकते, ग्राफ समझो, ये जब बनाया ना मेंडेलीव एटॉमिक मास तो वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ऐसे जा रहा था, ऐसे भेरी हो रहा था, क्या रहा था, नहीं समझा, मतलब कभी मास बढ़ रहा कभी घट रहा, बढ़ रहा घट रहा, वो सजाया सही, वो सजाया सही, लेकिन उसका मास का वेरिएशन दिख रहा था, बोलो हाँ या ना, इसको अपन यहां से लिखते हैं, ए बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, बढ़ रहा है, वो बढ़ ही रहा, लेकिन कभी बहुत ज्यादा फिर बहुत कम, ज्यादा कम बढ़ रहा, बोलो हाँ ना, मास जैसे कोबाल्ट वोल्ट वाला में, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन जो मुजले बनाया ना जो पीरियोडिक टेबल, वो किसके बेस पे बनाया, एटॉमिक नंबर के बेस पे, वो बोला देखो भाई सब हम जो बनाए ना एटॉमिक नंबर क्या होगा, खाली बढ़ रहा है, खाली बढ़ते जाएगा, मेंडेलीव किसने बनाया, मतलब एटॉमिक मास पे हुआ सर, मेंडेलीव का नाम मुजले का, इसका मुजले का, अभी उसी का पढ़ते हैं हम लोग, मुजले मुजले, ठीक है ना, मुजले क्या बनाया, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, या सर, अरे बोलो हाँ या ना, ये बताया तो एटॉमिक नंबर पता है दरअसल होता है क्या, सुनो एटॉमिक नंबर खास बात है, सुनो एटॉमिक नंबर क्या होता है बता सकता है, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनना क्या सही है, नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट स्टेबल स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब स्टेबल स्टेट में नहीं समझा, अब बाय चांस एक्साइटेड स्टेट चलिए इधर चलिए फिर भी प्रोटॉन सेम रहेगा, लिख देते हैं, अब इसी को बोल सकते, सुनो इज इक्वल टू, ध्यान दो, ए इसी एक चीज और कर ऐड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे ध्यान दो ध्यान दो, एट स्टेबल स्टेट, बोलो हाँ है ना,
इसमें हटा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मत हटाना। इसमें हटाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एटॉमिक नंबर का। हाँ ठीक है, दो घंटा तक किसी का फोन नहीं उठेगा सर। वो हम बोल देना सर रख लेते फोन। ठीक, कोई किसी को कुछ नहीं। मेरा फोन आएगा तो बोल देना मेरे पास का। मतलब घर में भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर। देखो सुनो, तो सुनो भाई सुनो, मुस्लिम फिर क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोलो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द, बोलो तुम फोन कैसे ले लिया जब मांग रहे तू दिखा है। हम इसीलिए बोल रहे हैं मत दे पापा फोन करेंगे, उसने एयरपोर्ट क्यों मुझले क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। और मेंडेलीव क्या बोला था, एटॉमिक मास। समझ रहा है, देखो जो नीचे बॉक्स में लिखे एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे स्टेबल स्टेट। और पॉइंट है सर, हां ऊपर ये नेक्स्ट क्या बोला, ये डेफिनेशन है पीरियोडिक टेबल का, इसका पीरियोडिक टेबल का इतना सर। एक्चुअली कौन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न वाला, कौन सा मॉडर्न, ठीक है नोट करो। अच्छा मुझले जस्ट गिव द कांसेप्ट, हम बता दे रहे मुझले पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, हम बता दे रहे वो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना, उसे कॉन्सेप्ट मिलकर के सुन रहा था चार गो आदमी, इसका नाम ही बताते हैं, बोस, ब्यूरी, रैंक और वर्नर। देखो ग्राफ तो लोग बहुत मतलब तो लोग छोड़ देता है बहुत लोग, लेकिन ग्राफ में सवाल पूछते हैं हर बार, हम बता रहे हैं ध्यान दो नहीं बात क्या कर रहा है, ऊपर नंबर बताइए तो लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं है क्या बताओ, तो इसको बोले सर बात की अभी हम बात में सुनना सुनना बात के गुना है, यहाँ पर मुंह इधर करना गुना है तो सोच रहा हम तो बोर्ड में ही देख रहे सर। नहीं तुम उधर देख रहे हो, हम देख रहे सर बोर्ड में, सर हम भी बोर्ड में नहीं देख रहे, पूछ लीजिए हम बात किए कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन लैक कर तो पता है लास्ट में बहुत पहले हेवी फंस जाएगा, तुम लोग पता है मत भी डालिए सर, नहीं है बोस, ब्यूरी, रैंक और वर्नर, कौन कौन वर्नर तुम चुप रहोगी, चाहिए चार आदमी मिलके पीरियोडिक टेबल दिया था। अरे कहाँ सर लिखे सर, पाइलर नाम क्या लिखे सर, बोर्स 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 ब्यूरी बी यू आर वाई आर एन जी रैंक, क्या हुआ सर अंदर सर, कैमरा क्वालिटी अच्छा है सर, नहीं दिख रहा
छोटा छोटा दिख रहा है क्या मुझे नहीं पता। अरे अरे भैया, अरे नाम में उसी को लिख रखे सर। बोल्स ब्यूरी और सुनते लाल के साथ थोड़ा हाईलाइट मार दे रहा है सर। हालांकि लाल का वेवलेंस और ज्यादा बढ़ेगा नहीं सर। रैंक का मतलब रैंक नाम है। हुआ क्या था सुनो, मैं कैसे सुनो, ये जो क्रिएट टेबल बेस्ड है ना, बोस और इसका ब्यूरी जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दिया था, उसी का कंफिगरेशन पे बेस्ड है। किस पे? बोस एंड ब्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पे बेस्ड है। तो फिर सर लिखो हेनरी मसले का नाम से क्यों आता है? अरे लिखो लिख लिए। उसके बाद ये जो रैंक और वर्नर है वो क्या कहता है, इस मॉडल को प्रपोज किया था, बनाया था, क्या कहता, मतलब चारों का किरदार है, प्रपोज किया था डायमंड रिंग लेकर। तो सर ये लोग बोला था कि हम लोग कर सकते हैं मूवी का। हां क्रेडिट दिया था, मतलब देख के क्या कहते, दुनिया पक्का दुनिया को मालूम था कौन आने वाला है। ठीक है, इन और इनिंग के बारे में बता दे रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द बोस एंड ब्यूरी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, कौन दिया था इसका कंसेप्ट? बोस। बहुत ज्यादा बोस का तो बहुत ज्यादा योगदान है। एंड रैंक्स एंड वर्नर, रैंक एंड वर्नर, डेविड वार्नर ने वर्नर वर्नर थ्योरी एक जगह और पढ़ते, कहां पढ़ते बताओ तो। ओए वर्नर थ्योरी कहां पढ़ते जगह? सर फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ते हो? कहीं पढ़ते में सर, केमिस्ट्री में पढ़ते जगह? क्रिकेट वर्नर थ्योरी, बीबीटी थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, भूल गए, वर्नर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आईयूपीएससी उसका देख है। हमको लगता है आधार मिलो संन्यास लिया इंडिया लीजेंड के तरफ से खेलने के लिए। सब प्रपोज भी किया। हाँ अरे चल प्रपोज भी थे, इसीलिए आज आपका ये हाल है। प्रपोज का स्पेशल है ये, अच्छा रोश में था अच्छा रोश कर दिया लगे और मान रहे क्या ये सच्चाई पूर्ण है। आइना आइना स्पेलिंग ही नहीं आता मेरे को बता। चलो चारों का योगदान किसका था? बोस और ब्यूरी का योगदान, योगदान किसमें था? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था उसमें था और एटॉमिक नंबर में था। लेकिन प्रपोज कौन किया इस मॉडल को? रैंक और वर्नर। ठीक है ना, अब थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड टेबल को देखते बढ़िया से, थोड़ा इमेज वेज बना दे क्या कि तुम्हें को मालूम है, थोड़ा सा इमेज तो मन में बनेगा ही, थोड़ा दिखा दे क्या, बना लेते हैं, मिटा दे इसको। हां नहीं नहीं मिटा, खूबसूरत बनाते हैं। यस सर जरूर, तब वीडियो पॉज कर देंगे। टेबल बनाएंगे। हां मिटा इसको। तुम लोग पास एनसीईआरटी बुक कौन कौन लाया है? तो बड़ा बोर्ड नहीं है, मैं ले लिया लिखने दीजिए ये थ्री हो गया,
सारीबा हो गया तुम्हारा? यस सर। बोलो दिखाओ। वाह क्या टेक्निक है, पेपर फोल्ड कर दे। ड्राइवर हम क्या बोले सबके पास नहीं है सर, ऐसे बनाने बोले बना सर, नहीं बन रहा सर, तुम बनाओ सही नहीं बना रहा है, बता रहे बनाओ बनाओ, सीखना जरूरी है। हम चाह रहे हैं कि एक बिल रूस को रखे, इतना बताएंगे ताकि हम बड़ा होंगे तो सही नहीं सर, बड़ा होंगे तो अरे बढ़ोतरी पड़ेगा, अरे ऐसा पढ़ना है जैसा तुम जा सके पढ़ा सके, टीचर बनना है, टीचर नहीं बनना है, तू तो मां ही बनना है सर, देख रहे हैं सर, इधर सुनिए तो कमांडर से जनरल से नहीं, कमांडर से जनरल पर देखो ध्यान दो, ए ध्यान दो सही में, हाँ बोलो, चलो ग्रुप बनाओ, देखो ग्रुप वन को देखो, ओए ग्रुप वन को देखो, ए भाई ना मेरे ऐसे बलिया सुनो, ए ध्यान दो ये ध्यान ना, आप ये टेबल को बनाना छोड़ दो, नीचे लिखो ग्रुप वन, इतना टाइम नहीं, ध्यान दो, पहला ग्रुप कैसे बोलेंगे, आली ना करे रब से फरियाद, आली ना करे रब से फरियाद, हिंदी में क्या लिखेंगे हम, हिंदी में बोलना हाँ ली ना ना, अरे बढ़िया से लिख पाएंगे, हिंदी में लिखते हैं आली ना कर रब से फरियाद, फरियाद खाली ना कर रब से फरियाद, रब से फरियाद, रब से फरियाद खाली ना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है ट्रांसियम, अभी एक एक की बात में डिस्कस करेंगे आराम से इस ब्लॉक में, लेकिन फिलहाल डिस्कस करेंगे ब्रीफली, सुनो 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 बात सुनो, सेकेंड ग्रुप क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए राजी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए बाप राजी सर ऐसा हो नहीं सकता सर, बाप राजी ठीक है इसका कैसे होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सुनो बेटा ठाक वाला देखो क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला ध्यान दो, बैगन आलू लाई रहना चाहिए तो थैला गाजर इन थैला ठीक है सर, दो ग्रुप नंबर सुनो क्या, दो 14 में देखो, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक सुनो, बैगन आलू गाजर इन थैला हो गया, दो कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक नहीं सर ये सुनो दो तीन बार मेरे साथ बोलो, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक, जनरल सैनिक पब्लिक, अरे कोई एक रेपुटेड पर्सन अपना पोस्ट है जनरल सैनिक, सुनो हाँ सुनो, कमांडर सी कमांडर देगा, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक समझ, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक, सरकारी नौकरी नहीं है उसका, सरकारी कमांडर नहीं है,
कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक जनरल सैनिक पब्लिक पब्लिक कमांडर सी जनरल सैनिक कमांडर सारी में जनरल पब्लिक जनरल सैनिक पब्लिक सही लगेगा मोटी ठीक है क्या लिख लिया नेक्स्ट देखो ग्रुप नंबर 15 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब मेहमान नेहा प्राची सब मेहमान ध्यान दे नेहा प्राची आस्था सब मेहमान नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नेहा प्राची आस्था सब मेहमान हां बताएंगे घर में सब मेहमान सब बीमार ठीक है ना सब बीमार नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार ठीक है तुम याद करना वैसे हम याद करेंगे नेहा प्राची आस्था सब ध्यान धोखा दे सुनो भाई ग्रुप 16 ध्यान दो अरे तो लो बतौला बहुत करता है ध्यान दो ऑफिसर सिंगे सेक्रेटरी टेक पुलिस सुनो बता रहे लिखो आप पुलिस वालों को कहा है बार बार ले आ रहे जनरल पुलिस सुनो ना ऑफिसर बहुत कबड़ाते रहते हैं ना सीनियर सेक्रेटरी एक्स पुलिस सुनो ऑफिसर सुनो ए मैं हाथ यहाँ तो ना ऑफिस ये सुनो लास्ट का दो तीन किसी को याद करता है इसलिए पूछ रहे ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी ये पोस्ट है ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस ठीक है ना पुलिस ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस ठीक है ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी बोलते सेक्रेटरी टेक पुलिस ठीक है ना सेक्रेटरी बोलते ये वाला सबको याद है पेपर बाहर आ जाती है हाँ पेपर बाहर आई चाची कस्टमर 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 प्लस वन फोर प्लस वन फोर कस्टमर फिर कल बाहर आई चाची ध्यान दो इसको देखो लास्ट वाला कौन बताएगा हेने आकर जेरोक्स रख ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस ठीक है ना ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस फिर कल बाहर आई आंटी हे ने आकर जेरोक्स रख इधर देखो देखो हे ने आकर जेरोक्स रख बिहार में बोलते हैं हे ने आओ हाँ है ना हे ने आकर जेरोक्स रख मेरा घर वालों से तुमको रोज यही सुनने मिल जाएगा इंडिया हम लोग कैसे बोलते हैं इंडिया रे इंडिया इंडिया मतलब छपरा टाइप का बोलते हैं इंडिया ठीक है इंडिया आकर सही बात इंडिया आकर जेरोक्स रख समझ में आता इतना सर अब याद हो गया हमको पूछ लीजिए पहला बोलो हाली ना कर रहे उसे फरियाद अरे बोलो मैं सर हाँ नहीं बोलने बोले हाली ना जितना बोलते उतना सुनो जा के कुछ नहीं करो हे ने आकर हाली ना कर रहे उसे फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बैगन आलू गाजर इन थैला फरहान यहाँ पे कमांडर सी जनरल सैनिक
अब मेरे साथ रिपीट करेगा, मुझे से बच्चा करता है नर्सरी का, तो नर्सरी एक बच्चा ठीक है सर, लेकिन हम सर नेपाल पाकिस्तान याद नहीं करेंगे, नेहा प्राची आस्था सब है वहाँ। अरे ठीक है, कितना जो तेरा कर खाली यहाँ पर जो हमने टवाइन हो रहे तो खाली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक, कमांडर सी जनरल सैनिक पब्लिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक प्लीज, फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने आकर जेरॉक्स रख, ठीक सुनो, अरे सुनो मेरे बात सुनो, ओए अभी खत्म नहीं हुआ सुनो, अरे बेसिकली तुम लोग को इतना बहुत ज्यादा काम लगे जो याद करा है, सुनो आई काम थोड़ा सा ये भी लगता है, ये जो ग्रुप नहीं है इसमें, ये जो फोर्थ पीरियड है ना, देखो देखो, अच्छा मैं बताओ टोटल ग्रुप कितना है इतना बताओ, इतना लिख लिया सबको, हिंदी लिखा हुआ सब मिटाए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हिंदी लिखा हुआ वीडियोस ये फोटो का जरूरत है समझो तो लोग बिटा था, हिंदी वाला बिटा था, लिख लियो सर हमको बहुत अच्छा से याद हो गया, पूछ सकते हैं आप आके जीरो सबसे अच्छा आपको लगा नेहा प्राची, यहाँ सब तो दिखो क्या बकवास ने, ठीक है पूछेंगे तब बताना, हाँ याद है, ये है कि नहीं बता, ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर तुम्हारा ये क्या होता है, 37 क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है, आयरन, एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक नंबर 82 गिनने पड़ेगा, कैसे गिनेगा ऐसे, तुमको पीरियड टेबल फिर बना के गिनेगा, नहीं ना तो उसके लिए सीखो, एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक नंबर 46 पहला बात बताते हैं, ये जो है ना ग्रुप 1 और 2 टोटल ग्रुप कितना 18, टोटल ग्रुप कितना लिख लो, इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखो टोटल ग्रुप कितना है, टोटल ग्रुप कितना है 18, किसमें है मॉडर्न पीरियड टेबल में, किसमें टोटल पीरियड कितना है 7, ठीक है सुनो, ये जो है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ध्यान देना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर इन एस ब्लॉक, किस ब्लॉक में है एस ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक कौन सा है एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है एस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 12 पी, नेक्स्ट देखो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 13 से 18 आर पी ब्लॉक, और ग्रुप 3 से ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, अरे सुनो ध्यान से, आर डी ब्लॉक, सुनो इसमें एक चीज और होता है एफ ब्लॉक, कौन होता है वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होता है, क्या होता है जो पीरियडिक टेबल का नीचे रखा जाता है, कहां रखा जाता है वो अलग है, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब समझ आएंगे, ठीक है ना, एसपीडी, एफ ब्लॉक कंटेन्स लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स,
बात सुनो ना सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन नोट करो, जल्दी से नोट करो। अच्छा किसी को यहाँ तक याद करना तो हम बता देंगे, ठीक है ना? पूरा प्ले टेबल जितना हम लिखा है इतना सब याद करने सिखा देंगे। ऐसे ऐसे इंसान करना सर। ही ली बी ब क नौफ ने नाम जी आर सी पास्कल आर का यहाँ तक बहुत कुछ याद कर। स्कूटी वैन कार मारुति एफजी सीओ नीकू जैन गाने गए ऑस्ट्रेलिया से बटकर रब से या जरा नहीं मोबाइल टेलीफोन रूलर रह पाएगा आज सब इंसान। आगे चलते जाना और बनाते जाएगा बनते जाएगा ठीक है ऐसे करके तू लोग याद कर सकता है ठीक है। कैसे नहीं होगा सब मारुति सब याद जाएगा। ये यहाँ तक याद करने पड़ेगा जितना यहाँ तक याद करेंगे स्कूटी बैंक कार मारुति एफजी नहीं कुछ जाएंगे तो याद कराएंगे लिख लो और उसके बाद यहाँ तक स्कूटी यहाँ तक फैन कार तुम लोग खास कर बोल रहे स्वाति और अंतरा अरे न्यू बना दी क्या बना दिए एक दिन में स्कूटी बैन कार मारो तू लोग पता है खाना बना के परोस रोज के मुंह में दे दे फिर भी नहीं चबा रहा तू लोग क्या बोले हम बोले तो चबा के दीजिए चबा खाई ना होगी ये सब बात ये है ठीक है हो गया सुनो अब यहाँ खत्म नहीं हुआ स्कूटी वैन स्कूटी वैन कार मारुति एफजी सीओ नीको जैन टेको को भी उसे जैन सीओ टेको नीको जैन कार मारुति टेको नीको जैन सर मेरे को लास्ट वाला पॉइंट बता दो जरा ए ब्लॉक कंटेंस लेटर एंड इंटरनेट पढ़ाएंगे पसंद है नीचे रखता वो चलो ये हंसी में ले लो मिठाई इसको लिखियो कार मारुति टेको लास्ट वाला नहीं सर इसमें हल्का सा बात करते हैं ध्यान दो हल्का सा बात करते हैं एस ब्लॉक किसका हल्का सा एस ब्लॉक एस ब्लॉक यानी किसका बात कर रहे हैं ग्रुप वन एंड ग्रुप वन एंड टू अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन जाता है पहले बताओ सब जानता है ना वन एस टू एस टू पता है ना वन एस टू एस टू पता है ना वन एस टू एस टू हल्का मल्का हल्का से जाना ज्यादा नहीं ग्रुप एस ब्लॉक में थोड़ा डिस्कशन पी ब्लॉक टी ब्लॉक में हल्का सा डिस्कशन होगा एस और पी का करेंगे दू का बच जाना है सबको तू लोग ही चाहिए सुनो ना अभी एस का करेंगे अब पी का एक थो या दो थो करेंगे ज्यादा नहीं फिर क्वांटम फिर ये सब वापस आएंगे क्वांटम नंबर पूरा लाइन से रन चलेगा उसमें तुम्हारा ऑर्बिटल सिखाएंगे पी एक्स पी वाई पी जेड सर समझा सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन यही बात सीखे हैं बोला रहा कहानी है बताएंगे होता क्या था न्यूटन जो होता ना साथ में जाकर के इसके बारे में डिस्कस किया था बढ़िया से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तुम सिक्का ये मतलब सब बात कहाँ से सुन रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूट्यूब आजकल है ना यूट्यूब जिंदा बात पता है यूट्यूब पता क्या चीज़ है यूट्यूब है आधार रुपए नॉलेज देने वाला चीज़ आप ही पसीने में जवान है वार पगला देगा इसमें तो दूसरा आधार रुपए हाँ अभी जो बंद पड़ा वो कंप्लीट है जो 20 से देखेगा फिर दूसरा लगेगा आधा देगा छोड़ देगा बात को पलट कर देख रहा है अभी कैसे बात को पलटा जाता है एस ब्लॉक का जेंडर कंफिगरेशन क्या इलेक्ट्रॉनिक का एन एस वन से टू बोला मायना हुआ कि नहीं NS 1 से 2 जैसे जैसे मान लो हाइड्रोजन का करना हाइड्रोजन का क्या जाएगा एटम 1s1 यस सर मान लिथियम का करना क्या जाएगा 1s2 2s1 सोडियम का क्या जाएगा मतलब इसका 1s2 2s2 3s1 अरे बोलो हां है ना यस सर इसी तरह से चाहिए K का करना है तो 1s2 अरे 2s2 3s2 3p6 4s1 अरे बोलो हाँ या ना लास्ट में क्या रहा ns1 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 बोलो हाँ या ना अरे है कि नहीं ये 1 से 2 क्या है अच्छा देखो ns1 जो हमारा एक तो है और एक तो ns2 है बोलो हाँ या ना ns1 जो है कौन सा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या आएगा ns2 ns2 बोलो हाँ या ना यस सर इसमें क्या आएगा बेरिलियम में जैसे दिखाते हैं बेरिलियम में क्या आएगा 1s2 फिर तुम्हारा क्या Mg में 1s2 2s2 बोलो हाँ या ना Mg में क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s बोलो हाँ या ना सबसे लास्ट में क्या रहा सबसे लास्ट में क्या रहा ns2 ns2 क्या रहा ns2 मतलब ग्रुप 2 में NS2 और ग्रुप 1 में NS1 तो ये तुम्हारा अलग अलग कंफिगरेशन का हम बोलेंगे S ब्लॉक का दिखाओ तो S ब्लॉक का क्या हो जाएगा S ब्लॉक का NS1 से 2 बोलो हां ना या तो 1 या तो 2 बोलो हां ना S ब्लॉक का अरे ध्यान समझ आ रहा है समझ आ गया कि नहीं अंतर समझ में आया हां अरे 2 एक्सप्लेन कर रहा है ग्रुप 1 समझ आया अरे मेरा बात बताओ सुनो सुनो ये बात डीप बात यहां खत्म नहीं होता असली बात पता कहां समझता है हीलियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है नहीं नहीं सर पी ब्लॉक पी ब्लॉक हां अरे है कि नहीं है हां तो उसका नहीं कंजुगेशन करो आपको पता है जेरू नोबल के साथ पता है क्योंकि कंजुगेशन कितना देगा जीरो कितना देगा जीरो इसका एनएस3 नहीं है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 हां 1s2 कितना आएगा 1s हम लोग क्या जानते हैं जिस ब्लॉक में आया आखिरी कंफिगरेशन वही ब्लॉक का एलिमेंट इस हिसाब से तो हीलियम किस ब्लॉक में आना चाहिए लेकिन बहुत बैठा है एक्सेप्शन बोलो ना सही बोल रहे हैं और सोचा क्या है बोलो इस हिसाब से हीलियम ग्रुप टू में होना चाहिए सही बोल रहे हो सब पी तो जीरो है ना हिसाब से हम लोग में रहता है सुनो लेवल पे डिपेंड करता है देखो देखो हीलियम इज अ नोबल गैस सुनो ना हीलियम इज अ बहुत नोबल पर्सन है नोबल यानी इनर्ट गैस नोबल गैस या इनर्ट गैस बोल सकते सुनो इसका सुनो होता क्या है समझाएंगे पॉइंट हमने इसका एक सेल होता है और एक ऑक्यूपाइड सेल होता है सुनो अगर हम तुमसे कुछ कुछ सुन रहे हो तुमसे कोई कुछ पूछ ले कि सोडियम का कितना सेल दो एक ही होता है ना हाइड्रोजन का कितना सेल एक सेल एक सेल गलत बोल रहा नहीं सर सुनो सोडियम का कितना सेल दो सेल गलत बोल रहा इसका हर एक एटम का इनफाइनाइट सेल सुनो मेरा बात हर एक एटम का क्या नया चीज सर मेरा बात सुनो ना हर एक सेल का इनफाइनाइट सेल बट हाइड्रोजन के पास वन ऑक्यूपाइड सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है समझा समझा ये समझे मतलब कितना सेल में इलेक्ट्रॉन भरल है समझ बात ये बात होता है क्वांटम में बढ़िया से एन में स्पेशल क्वांटम नंबर में क्या बोल हम बोलो ए इधर ध्यान दो ना क्या ये बात बोले भैया कि समझ नहीं आ रहा
हम पूछ रहे हैं जैसे कोई भी एटम ले लिया कैल्शियम कितना सेल इन्फिनाइट सेल, इसके पास इन्फिनाइट सेल, लेकिन तुमसे पूछते कितना सेल, जो तुम सेल बता रहे हो ना वो सेल नहीं बता रहे हो, क्या बता रहे हमको कि उतना सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो तुमको बता रहे हो मतलब ऑक्यूपाइड सेल तुम बता रहे हो, क्या बता रहे हो ऑक्यूपाइड सेल, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बाय सेल, हीलियम के पास भी एक ही ऑक्यूपाइड सेल है, बोला है ना, लेकिन सुनो सुनो पहला ऑक्यूपाइड सेल का क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो हो सकता, बोलो हाँ ना, हो सकता कितना दो, और वो पूरा क्या भरा हुआ है, क्या हुआ और स्टेबल स्टेट में, किस स्टेट में डुप्लेट, इसलिए उसको एस ब्लॉक छोड़ देंगे, कहां रखा बी ब्लॉक में, नोबल गैस वाला ब्लॉक में, जो स्टेबल हो गया मतलब ग्रुप 18 में जितना है ये सब क्या है नोबल गैस, क्या ये नोबल गैस, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, कंपाउंड नहीं बनाता किसी को, एक्सेप्शन इसमें भी है जेनोन बनाता है, बताएंगे समझिए, इसमें हाई है, इसमें भी स्पेस मतलब है, जेनोन बनाता है, बताएंगे बाद में, इसमें ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है दरअसल, क्योंकि स्टेबल है, लेकिन कुछ कंडीशन है उसमें बनाता है, कंडीशन सब जगह कोई परफेक्टली परफेक्ट नहीं है ठीक है, इसको नोट कर दिया, नोट कर लिया, चार दो, अब मेरा बात बताओ, आप क्वेश्चन का जवाब देना, सुनो ये क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे पूछेगा, सुनो कभी कभार, हाउ मेनी एलिमेंट इन एस ब्लॉक, हाउ मेनी एलिमेंट इन एस ब्लॉक, तीन छह सात तेरह, तेरह सोच लो, तेरह, हाउ मेनी एलिमेंट इन एस ब्लॉक, चौदह है, लेकिन रखा कहां गया नोबल गैस में, समझ में आया नहीं, नहीं 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 करते हुए ऐसे, समझ में आया अच्छी बात, समझ में आया ना, सुनो सुनो सुनो, अरे हाँ सुना इसको 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 देखेगा ना, आखिरी कंडीशन आएगा P6 सिखाएंगे, लेकिन इसका है S2, कितना है S2, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, रखा गया है नोबल गैस में, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S ब्लॉक कितना हो गया बताओ तो, अरे कंसेप्ट समझो तू लोग का, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बता अभी कैसे क्वेश्चन पूछो, इसे पूछ लेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, एलिमेंट एलिमेंट इनर्ट गैस, ENERT इनर्ट गैस, फिर दोनों साथ बैठ गया, एक सेकंड सर साथ में बैठ गया, लिखो क्या बोल रहे हो, नहीं दिख रहा तो है, दिख रहा रुको ना तो लोग पांच बजे नहीं पांच बजे छह बजे निकल जाएंगे, बायोलॉजी डेली कल भी बायोलॉजी आज बायोलॉजी आपका साथ ही रहता है, बोले बायोलॉजी बायोलॉजी का टाइम चेंज करा नहीं होगा, सब ऑनलाइन पढ़ता तो लोग कैसे कर देंगे, होगा बोलेगा कर देंगे, लेकिन क्लासेस कम जाएगा, खेलने जाने रहता है उसको, सर अभी नहीं सर अभी कर रहे ना सर, चार रुकी तो चार पांच ठीक रहता है, हो गया बेटा नीचे का बेटा, अभी इसको खत्म नहीं हुआ सर, सर टोटल में बेटा इधर टोटल लोड करके ऐसे जो है सभी लिख रहा हूं, सर देख ले कर, जो ग्रुप वन है ना उसका एक नाम है,
ग्रुप वन का एक नाम है, माइकल समझ में आ रहा ना, लिख रहा है तो लिखिए, नहीं वो लिखा हुआ चाहिए लिखिए, नहीं वही वही तरीका बात करने का, बात करने का वही तरीका। अरे सर हम बोले लिख चुके हैं, तो ऐसे बोलो लीजिए ना, ये किसी से बात करे को ऐसे हम कसम से लीजिए ना, बिल्कुल नहीं 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 बैठो ऐसे नहीं, अरे कोई मांग रहा तो बोलो सर लेने हो गया, वैसे बात किया जाता है लीजिए ना, हम नहीं बोले लीजिए ना, अरे नहीं जो भी ठीक है रखो ध्यान दे, लिखो फर्स्ट बेंच पे बैठने बोलते पीछे बैठ जाता कभी ले गए हद में, इतना बार बोले तुम लोगों को फर्स्ट नहीं बैठो ग्रुप वन तो ग्रुप वन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं हमको रिस्पांस मिलना चाहिए वहां से, तब हम समझाएंगे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार में आवाज नहीं आता है किसी का, जिसका आवाज नहीं आएगा हम बोलेंगे पहले बता दे रहे, देखो ग्रुप टू, ग्रुप टू क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप वन को क्या बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप टू क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ये दोनों क्या एस ब्लॉक का, किसका एस ब्लॉक का, सुनो ध्यान दो, जैसे हम तुमको बताते हैं तुम लोग कहां जाता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वन, कितना होता है वन, सुनो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था वन, हीलियम का कितना था टू, सबको पता है ये बात, लिथियम का कितना होता है थ्री, बेरिलियम का ये सब पता है सबको, बोरॉन का भी पांच सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अब ज्यादा नहीं पता करना, देखो इतना तो पता है ना, हम तुमसे पूछते हैं सीजियम का बताओ एटॉमिक नंबर, बता सकते हो हाँ सर पचपन, कैसे क्योंकि सर इसमें सिर्फ ऑड नंबर है, अच्छा नहीं नहीं और इंडियम का बताओ सर इसके नहीं मालूम, बताओ पीवी का बताओ, बता सकते हो नहीं, निकाल सकोगे देखो कैसे निकलेगा, जैसे जो एलिमेंट पूछ रहे हैं मान लो पॉलिनियम बोले सुनो, तो ये किस ग्रुप का ये पता होना चाहिए, नेपाल पाकिस्तान स्टेट कौन सा है पी पी ओ ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस ऑफिसर, मतलब ऑक्सीजन के नीचे किसके नीचे है ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन का पता है आठ, सो टोटल पीरियड कितना टोटल पीरियड सात, देखो ये टेक्निक सीखो टोटल पीरियड कितना है सेवन, मैजिक नंबर देखो मैजिक नंबर टू आठ भरा टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू, ये क्या मैजिक नंबर क्या है टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू पहला पीरियड जो है फर्स्ट पीरियड उसमें कितना जोड़ेंगे दो, कितना जोड़ेंगे पहला पीरियड में कितना जोड़ेंगे सेकेंड पीरियड में क्या जोड़ेंगे एट, क्या जोड़ेंगे ये पीरियड ये सम, ये पीरियड ये सम, थर्ड पीरियड में कितना जोड़ेंगे एट, फोर्थ पीरियड में कितना जोड़ेंगे अठारह, फिफ्थ में एटीन, सिक्स्थ में थर्टी टू, सबका पीरियड तो मिल जाएगा है कि नहीं, पहला एक एक में दो जोड़ो कितना गया तीन, तीन में आठ जोड़ो कितना हो गया ग्यारह, में आठ जोड़ो कितना हो गया उन्नीस, में अठारह जोड़ो कितना हो गया सैतीस, सैतीस में अठारह जोड़ो कितना हो गया पचपन, पचपन में बत्तीस जोड़ो कितना हो गया एटी सेवन, सबका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, ये कौन ग्रुप है पहला ग्रुप में दो जुड़ गए चुपचाप चुपचाप, सुनो नहीं समझ में आया सर सर, सुनो मैजिक नंबर क्या है टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, मतलब पहला में दो जोड़ो आठ जोड़ो आठ जोड़ो अठारह जोड़ो अठारह जोड़ो बत्तीस जोड़ो, सिर्फ एस एस ब्लॉक में ऐसा होगा सब में, सर छह में कितना करेंगे बता रहे कर लो सर, लेकिन सब में दिखा रहे सब में सब का सब का निकाल के दिखा रहे, सो सबका निकालते हैं
पहला में दो जोड़ जुट चुका है क्योंकि 6.32 करेगा सर। हां एक अंदर नीचे करके दो अंदर एक करके दो। अच्छा 7 में 7 का 7 को पीरियड है सबका मिल जाएगा सातवां अपने मिल जाएगा। अरे पहला में जोड़ देता हूं ना ये दूसरा पीरियड मिला तीसरा पीरियड मिला चौथा पीरियड पांचवा छठा सातवां समझ में देखो पहला पीरियड यहां पर है मेरे पास कुछ दर्शक ध्यान दो नहीं पहला पीरियड में कुछ है नहीं कुछ है नहीं सेकंड पीरियड में इसमें मतलब सेकंड पीरियड उनको मिल गया क्या मिल गया आपको क्या चाहिए थर्ड पीरियड चाहिए क्या चाहिए क्या जोड़ेंगे चार में क्या जोड़ेंगे दो नहीं क्या जोड़ेंगे आठ क्योंकि पहला हमको मिल चुका है दूसरा हमको हो चुका है पहला काम मेरा डन बोलो हां या ना दो वाला काम डन कैसे समझ में आया कि नहीं हां सर सर पहला वाला काम डन है कि हां सर समझ में आया कि नहीं पहला काम डन क्या जोड़ेंगे आठ तो आठ चार कितना हो गया बारह बारह फिर क्या जोड़ेंगे आठ कितना जाएगा बीस बीस में कितना जाएगा अठारह कितना जाएगा अड़तीस अड़तीस में कितना जाएगा अठारह कितना जाएगा छप्पन छप्पन में बत्तीस कितना जाएगा समझ में आया इसको छोड़ेगा देखो पांच में कितना जोड़ेंगे आठ कितना जाएगा तेरह तेरह में आठ कितना जाएगा इक्कीस में अठारह कितना जाएगा 39 में 18 कितना जाएगा 57 बस ठीक है अब ऐसे करके सब निकाल लेगा यस सर निकाल 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 जल्दी निकाल ऐसा सर 49 होगा सर कहां 49 भाई एंड में अरे 39 होगा 21 में 18 जोड़ो सर यार 49 लिखा हुआ है 21 में 18 49 हो ही नहीं सकता ना लिखा हुआ 49 कहां 49 लिखा हुआ लिखा हुआ है 49 कटिंग है मेरा है ऊपर से पहला पीरियड तो गायब हो गया ना सबका सबका निकाल इसका होता है 14 हो जाएगा 51 हो जाएगा इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा 50 हो जाएगा 58 हो जाएगा बोला है ना इसका हो जाएगा 15 16 17 18 33 34 निकाल लो 35 36 51 अरे लिखो ना जल्दी से 52 53 54 59 साठ इकसठ मतलब पहले का पहले का ध्यान रखना सर 61 थोड़ी होगा 81 होगा वो अरे हम भी तो कहां ध्यान रखता है मेरा तो वही तो आपको बोले थे सर उधर गए बड़े 32 रो 32 रो 32 रो 81 हो जाएगा 81 से लेके सर 86 तक 50 से 60 सर वहां 40 32 49 से 32 जोड़ो ना ए कर लो तू कर लो हम नहीं करेंगे करो दिमाग मेरा खराब हो रहा है अच्छा इसका बता देते हैं देखो 21 याद रखना ज्यादा रखने चाहिए 22 21 के बाद 20 याद है ना स्कूटी भर कर मारते 20 होने के जिन कितना है अरे इधर ध्यान दो ना 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इधर भी कर लो 39 करेगा तो क्या जरूरत नहीं है 40 41 जरूरत नहीं है ठीक है ना 42 44 44 जरूरत नहीं सबको ये सब का बिचौला जरूरत नहीं इस ऊपर का जरूरत सुनो सर विवाह जो नीचे होता है सर उसका और भी होता है डेवलप हुआ भी रहता है चार डेज भी जाता है 113 114 सुनो लिखिए अरे लिखिए मेरे पास सुनो पहला ग्रुप को अल्कली मेटल सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं अल्कलाइन मेटल सुनो अच्छा हम पूछते हैं पहला ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा ऑक्सीडेशन व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट पहला क्वेश्चन व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज टेक्स प्लस टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड या रिएक्शन। समझ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी बोल सकते हो, फिलहाल के लिए क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, NaCl है, क्या है? Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, पता है कि नहीं? पता है ना? कैसे पता है? ए एक्स डी वाई याद है ना, बताया था कि नहीं? ए वाई प्लस एक्स वाई प्लस बी माइनस, बताया था ना? तो देखो इस चार्ज देखना, Na का चार्ज कितना है? प्लस वन, मतलब वैलेंसी कितना हो जाएगा? प्लस वन। कितना वैलेंसी? कितना जाएगा? जब भी सोडियम गिरेगा टूटेगा, किसमें टूटेगा? प्लस वन में। किसमें टूटेगा? किस स्टेट का है, किस ग्रुप का है? ग्रुप वन का। मतलब ग्रुप वन हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? जैसे एच सी एल कहीं टूटता है, एच प्लस सी एल माइनस। तुम्हारा क्या? एन आई सी एल आई सी एल एल आई प्लस सी एल माइनस, के सी एल के प्लस सी एल माइनस। किसी क्वेश्चन आया के टू एसओ फोर, तो टू के प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस। देखो टू के प्लस, के का ऊपर प्लस से है कि नहीं? के का ऊपर प्लस ही है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? प्लस वन ही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? प्लस वन। मतलब अल्कलाइन में अर्थ में अल्कली मेटल क्या दिखाएगा हमेशा? प्लस वन ऑक्सीडेशन। इट एग्जिबिट्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा स्टेट शो करता है? प्लस वन। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या शो करेगा? माइनस। माइनस शो करेगा? नहीं सर, हम ऐसे ही बोल प्लस टू मे बी प्लस टू। तो कल एनएस पीरियोडिक टेबल को बढ़िया से करना चाहिए। 12 बाकी जितना प्रॉपर्टी है चैप्टर है सब पीरियोडिक टेबल पर निर्भर करता है। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर का मूल कांसेप्ट है, ये तुम्हारा फाउंडेशन चल रहा है, बता दे रहे। बुक से ज्यादा जरूरी है कांसेप्ट। क्या होता है इसका? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या शो करेगा बता सकता है कोई? माइनस टू प्लस टू। क्या शो करेगा? प्लस टू। क्या करेगा? प्लस टू। इट एग्जिबिट्स, किसी को कोई डाउट तो बताना हमको। खिलाड़ी के लिए वैलेंसी मान के चलो ना, समझाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में चैप्टर है, ठीक है ना? रिडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर है। रिटार्डेशन ऑक्सीडेशन उसमें पढ़ेंगे। हाँ, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिर्फ वही नहीं, बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन थर्मल चार्जेस सब पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? एसिडिक में, नॉन एसिडिक में, नॉर्मल में सब पढ़ेंगे। क्या बोला? ऑक्सीडेशन। देखो होता बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मेरा एक ही कहना है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, खत्म। सब क्राइटेरिया कंप्लीट। सब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है कि ऐसा सब बात बोलता है कि अच्छा चलो कंफ्यूज जाएगा, बस हम एक बात बोलते खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब रिडक्शन। जैसे एग्जांपल दूं, है कि नहीं? तुम लोग यही बात बताए थे बार बार कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन घटा रिडक्शन। क्यों बढ़े? क्योंकि हाँ ये बहुत अच्छा बात, ऑक्सीजन नंबर क्यों बढ़ेगा? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। मतलब सर इलेक्ट्रॉन घटेगा तो ही ना ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा। ऐसा जरूरी है क्या जो बोल रहे? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ये जरूरी है। तो सर रिडक्शन के और पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे अभी, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा। इसमें सिर्फ इकलौता एक आदमी जो बहुत भयानक है ग्रुप वन में, कौन बोलो तो? हाइड्रोजन। सुनो, हाइड्रोजन का लगभग लगभग प्रॉपर्टी जो ग्रुप वन वाला है ना। अच्छा एक और बात सुनो, ये ग्रुप वन जो है अल्कली मेटल है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है? मेटल्स है, क्या है? लेकिन इसमें एक सबसे मैं दिखाएंगे, ठीक है? सुनो सुनो, ग्रुप टू भी क्या है? एक तरह से मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसमें भी एक दिखाएंगे, ठीक है? सब दिखाएंगे।
सबसे पहला भाग इसका इसका ऑक्सीडेशन प्लस वन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू। लेकिन हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऐसा चीज है ना, क्या मतलब हाइड्रोजन सोर्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज अटैच्ड टू नॉन मेटल। समझाते हैं, अभी समझाते हैं मेटल नॉन मेटल का अटैचमेंट सब समझाते हैं। एंड माइनस वन व्हेन इट इज अटैच्ड टू मेटल। चुपचाप सुनेगा, कोई नहीं हल्ला करेगा। सुनो फंडा क्या कह रहा, समझा दो। लिख ले पहले। तो लिखना के लिए बताना पड़ता है क्या, बोलना पड़ता है कि हम लिख रहे हैं? नहीं। फिर हाँ तो बात करें, सीरियस क्लास चल रहा, तो सुनो हम लोग कहाँ में हो क्या। सुनो हाइड्रोजन जो है ना, समझा दो। दरअसल हाइड्रोजन बात करते पहले ऊपर बात करते हैं, ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा। क्यों? पहला बात क्यों, पहला क्वेश्चन आता चाहिए क्यों, प्लस टू शो कर रहा क्यों, प्लस माइनस वन क्यों नहीं है कि नहीं, पहला क्वेश्चन आना चाहिए। किसी को पता है क्यों? क्योंकि वो टूट रहा तो उसका ऊपर वही बच रहा है। नहीं, अब मान लो रिएक्शन नहीं हो रहा, खाली एसी सर, क्योंकि लास्ट इसमें एक ही होता है और वो एक ही लूज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? लूज करना है कि नहीं, ये अपना स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। बोला हाँ या ना? अरे बोला हाँ या ना? ये चाहता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। क्या कर दे? अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, छोड़ करके हाँ स्टेबल हो जाए। सुनो, जो भी याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसको बढ़िया से लिख लो, पंकज सर का स्टाइल में ओपी पॉइंट है ना, हम देखे थे एक दिन ऐसे रहते ना, देखे थे, देखो लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल। जो लूज किया वो मेटल, जो गेन किया वो नॉन मेटल। जो लूज किया वो क्या किया, दान किया, वो क्या किया, डोनेट किया, डोनेट किया, पॉजिटिव एनर्जी आ गया उसके पास। कौन सा एनर्जी? पॉजिटिव। बोला है ना, बहुत पैसा है कि नहीं, दान कर रहा, जो ले रहा कर्जदार हो रहा, नेगेटिव एनर्जी आ रहा। बोला है ना? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। रिस्पांस दो तू। हाँ सर, हम दे रहे सर, फोन नहीं करते। सुनो सुनो, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, समझो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। क्या सर? प्लस ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस वन कब शो करेगा? जब वो लूज करेगा। जब वो, जब प्लस वन शो करेगा मतलब वो क्या, कैसा बिहेव करेगा? मेटल जैसा। किससे रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल से। समझ रहे बात? जब हाइड्रोजन माइनस वन रहेगा तब वो कैसा बिहेव करेगा? नॉन मेटल। तो किससे रिएक्ट करेगा? मेटल से। बोलो हाँ या ना? तो हाइड्रोजन इकलौता है जो क्या करता है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से कंबाइन करता है, प्लस वन और माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करता है। बोलो हाइड्रोजन नॉन मेटल वाला काम कैसे करता है? देखो ठीक है, समझ गया ना? समझ आ रहा बात? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अभी और डिटेल में जाएंगे। हाँ सर, 4:25। हेलो हेलो, पता नहीं क्लास से होता है जो फोन कर रहा। हेलो हाँ, तो हम कैसे जाएंगे, हम अभी क्लास ले रहे, जाके खुद लो। ठीक है हाँ, तो नहीं ले पाएगा तो बोल दो पापा, हमको मत बोलो, हम छोड़ दो। हम क्या करें, फोन करके बोलो, हम क्या फोन कर, हम बोले तो हम नहीं आ सकेंगे। ध्यान दो, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाप रे। यहाँ हल्का सा मुंडी इधर उधर करेगा ना, फंस जाएगा पूरे चैप्टर में। अब बार बार हम एक ही बात बोले, प्रिडिक्टेबल पढ़ लेना। सो इतना हुआ,
हम क्या बताएं इसमें, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सिलेबस में नहीं रहता है, कभी कभार रहता है, एनसीईआरटी में एक जगह साइड दे दिया कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से एक बार सवाल भी पूछ लिया था इसलिए बोल, कभी कभार पूछ लेता है, शायद नीटे में पूछा था, हमको याद नहीं है समथिंग, लेकिन एक सवाल हम देखेंगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये जो है ना, ध्यान दो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, मिटा इसको, मिटा दे, ब्लैक कलर दिख रहा, ठीक है ब्लैक कलर दिख रहा, आप क्या चीज ले, अब क्या कर सकते हो तो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, दिख रहा वो पूरा एकदम नहीं हो, ऐसा नहीं है तो थोड़ा एक बार तू लोग आंख बंद करो, फिर खोलो, पहले आंख बंद कर लो, अरे खोलना मत, आंख बंद कर लो, कैसा दिख रहा, अंधेरा ना नहीं पड़ेगा, ऐसे दिखाई देगा जिंदगी में, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे, यही दिखाई देगा सर, मेरा बहुत ही साहिबा पापा को बोलेंगे कि हमको आप दिखा काम दे, तुम सारी बार पापा के भरोसे बैठे रहे, सारी बार खुद अपना पापा भरोसे बैठे रहे, मैंने बैठे रहे, देखो जब इसको अपना पापा भरोसा नहीं है कि मन ना जाओ ना जाओ, तुम इसका पापा भरोसा में कैसे कर सकते, एग्जांपल समझे, नहीं तो समझा, ये अपना पैर पे खड़ा होना चाह रही है, तुम इसका पापा से जरूर जाना चाह रहे हो, बताओ करवा तो देंगे, वो तो हम भी जान रहे, जब मैं तो बोल रहा था हम भी लगवा देंगे, लेकिन मैं वो नहीं ना, अरे जो भी है अच्छे समथिंग कुछ काम पड़ेगा, चाचा विधायक हमारे है ना, बिहारी है समझा ना, हर घर से तीन गुंडा, एक आईएएस ऑफिसर निकल के करता है, अलेक्टर पॉलिटिक्स है ना, मजाक हो गया, अब ध्यान दो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये सब किस ग्रुप का मेटल है, किस ग्रुप का मेटल है, ग्रुप वन, ग्रुप वन का, सुनो ये चारों क्या दिखाना चाहिए, प्लस ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लेकिन इट शोज शो करता हमेशा ऑलवेज इट, बट इट शोज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार शो करता है, कब, विथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिप्टेंड एक है कंपाउंड, बताएंगे बताएंगे, क्रिप्टेंड एक कंपाउंड है जिसके साथ ये अटैच होने पे ये क्या शो करता है, माइनस वन, क्या शो करता है, ये लिखा हुआ है बस, कई कबार पूछ लेता है, ठीक है ना, जानकारी है, इसके बारे में उतना जानना नहीं है, ठीक है ना, कहीं पूछता नहीं, कभी कभार हो गया मन घूम घाम गया तो बस समझा ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करते तो तूफानी करते नहीं, क्या करता, लिथियम से देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, सबसे हल्का मेटल कौन है बताओ तो, क्यों, लिथियम, लिथियम इज द मोस्ट लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन नहीं सर, हाइड्रोजन के बदले में स्टेट विद, क्या लिखे सर, आदमी है बात कर रहा है, क्या बोले, क्रिप्टेंड, समझ रहा, टी एन डी, टी एन डी सर, सी आर वाई सर, पी टी एन डी, पी पी ए एन डी, क्रिप्टेंड, क्रिप्टो करेंसी का सी सर, बैंड हो गया, लाइट लिथियम बहुत पैसा है is most
लाइटेस्ट मेटल ऑफ ग्रुप वन, बोलो हाँ या ना, ध्यान देना, मोस्ट लाइटेड एटम लिखे, ठीक है ना। अच्छा याद रखो एक बात, पूरे पीरियोडिक टेबल का लिथियम ही है, दूसरों को बताइए तो एक तो पढ़ेंगे ना बंदे, सो ग्रुप वन का जो एलिमेंट है ना, ये सोडियम हो गया, पड़े इसको पता है कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में, कहाँ रखा जाता है, हाई रिएक्टिव है, क्या इट ग्रुप वन एलिमेंट्स लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट सारा एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को कैसे लिथियम को, सो लिथियम को कैसे रखते हम लोग, वैक्स से कोट करके, मोम से, किससे, मोम से, वैक्स से कोट करके क्यों नहीं रखे, तो ये रखा जाता है क्योंकि उतना रिएक्टिव है ही नहीं एज कम्पेयर टू बाकी सब, क्या होता है सर केरोसिन, क्या होता है केरोसिन तेल, किसको बोलेंगे आग लग जाएगा जब तुम दे सकता तुम एच प्लस आयन निकाल करके लाइटर में गैस में तो चिंगारी बनाता है, चलो ऐसे गन टाइप का है, लगे गोली दबाइएगा बटन में, सही है ज्यादा अभी नहीं, गन टाइप ऐसे दबाइएगा ना, लाइटर कैसे हो, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, इतना गैप हमें जा रहा है, नोट करो नोट करो नोट करो, अभी निकाल नोट करो नोट करो नोट कर लिया मिटा अल्कली मेटल आर केप्ट इन केरोसिन एक्सेप्ट लिथियम विच इज कोटेड विथ वैक्स केप्ट इन केरोसिन एक्सेप्ट लिथियम विच इज कोटेड विथ वैक्स चार बज गए चल बैठो ना खत्म करने ज़्यादा देर का नहीं है, एक सवाल भी है सर, सर सुनता है कौन के इतना नहीं पता हूँ आपने खून से नहीं रक्त पहली बार सुन रही होता है नहीं सीरम मतलब सीरप सीरप होता चलो नया चीज सीरम सीरप सर कितना नंबर पॉइंट है
ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स का बात करते सुनो इसी में हो इसी का बात करें ऑक्साइड का उसी के अंदर पॉइंट ई एक पॉइंट है इसमें दो तरह का एक ग्रुप वन ध्यान देते ग्रुप टू ग्रुप वन और ग्रुप टू ध्यान अंकित ध्यान दे जा ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन में क्या होता है ऑक्साइड कैसे बनता है एम ओ क्या बनता है एम ओ इसमें एम टू ओ इसमें एम टू ओ दिखा दे कैसे बनता है दिखा दे अल्कली मेटल कौन सा जैसे देखो एग्जाम्पल सुनो अरे इसे लेते हैं एन ए सॉरी एन ए एम टू ओ और एम ओ उल्टा हो गया एम ओ और एम टू उल्टा हो गया उल्टा लिख दिया था अरे टू हाँ रहे हैं स्टार्ट करो शिफ्ट कर दो उठा के अरे ध्यान दो मेरा इसमें देखो एग्जांपल लो एन एन ए का ऑक्सीजन स्टेट कितना है प्लस वन और ऑक्सीजन का माइनस टू वैलेंस कितना है ऑक्सीजन का अरे पता है कि नहीं ऑक्सीजन का नहीं पता है सर ऑक्सीजन का वैलेंस नहीं पता आठ इलेक्ट्रॉन हाँ वो पता है पहला से छह इलेक्ट्रॉन दो क्रॉस हो जाएगी इसमें माइनस टू सुनो अब ये क्या होता है क्रॉस पता है ना बचपन में किया क्लास नाइन में क्या होता है एन ए टू ओ बोलो हाँ ना है कि नहीं कैसे बोल रहे हैं देखो ये Na मेटल है ये ऑक्सीजन है N M2O M2O ऐसा पेंसिल से लिखा रहा हूं जैसे इसमें देखो इसमें सेकंड वाला ग्रुप में देखो Mg निकालते हैं Mg का प्लस टू और O का माइनस टू क्या हो जाएगा Mg2 O2 टू टू कॉमन लेकर कट जाएगा बचेगा क्या MgO क्या बनेगा Mg मतलब इसमें कैसा ऑक्साइड बन रहा है MgO और उसमें कैसे बन रहा एन ए टू ओ मतलब उसमें एम टू ओ इसमें एम ओ ठीक है ना थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो ठीक एम पी है वो पी कहाँ है ऊपर मुझे लिखना ये वाला एम टू ओ है पी पूछ लिया मतलब समझ लो तुमको समझ में नहीं आ रहा समझ के मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा किसी भी समय छोटा छोटा वो छोटा छोटा ने ब्लैक है क्या कर सकते हैं ये जितना ऑक्साइड्स बनाया अब मेरे पास ये मेटल नॉन मेटल के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जितना भी ऑक्साइड बनाया हमको इतना बताओ क्या ये बेसिक है या एसिडिक है सोचो तो बेसिक क्या है मेटल ऑक्साइड क्या होता है मेटल ऑक्साइड इसी बोलते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है ये सब क्या है ये सब तो मेटल ऑक्साइड ही है ये ऑल क्या है बेसिक दे ऑल आर बेसिक बेसिक इन नेचर बहुत मुश्किल सही बात बोले देखिए सर लाइन आ गया सुनो सुनो एक्सेप्ट क्या एक सर एक छोड़ कौन बोले तो बीईओ बेरिलियम ऑक्साइड बहुत सारा कारण दे सकते हैं अगर मेटल मेटल कह सकते ग्रुप ऑफ ग्रुप टू सब मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल बीईओ क्या है बता रहे देखो बी बेरिलियम ऑक्साइड हाँ वही 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 इसलिए तो ऑक्साइड बनाता है बेसिक ना देखो क्यों बताते देखो देखो अरे ऐसे नहीं बोल सकते किसी को डायरेक्टली इंजाम
सबूत देते पड़ता है। देखो बोल दिया अलग बात है, शॉर्टकट में निकल गया। सुनो ये दरअसल बेसिक नहीं तो है क्या? क्या है? एसिडिक। एसिडिक भी नहीं, न्यूट्रल है ये, एम्फोटिक है। ये क्या होता है? हाँ एम्फोटेरिक है। अरे एम्फोटेरिक ये क्या? एम्फोटेरिक है। ठीक है, पढ़े से पढ़े बोलो कितना पता है, किसको क्या पता है एम्फोटेरिक बारे में? देखते किसका कंसेप्ट है किसका मिसकंसेप्ट है। बताओ, कोई सुना है नाम एम्फोटेरिक क्या होता है? दोनों शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। हाँ ऐसा नहीं है लेकिन हमेशा नहीं, वो गजब चीज है, वो गजब है। मोटा फैक्ट नहीं देखी हो क्या? जाके देखना मजा आएगा। केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा। सीजन टू का बार तो आगे खत्म हो गया। अभी क्या पता हमको नहीं मालूम। अच्छा थोड़ा सा नेचर ऑफ एलिमेंट का बात करते हैं। इसका नेचर ऑफ एलिमेंट मिटाए रुको, ये स्क्रॉल नीचे हो रहा है। बार बार बना नहीं सकते इसको, इसलिए खत्म कर दे। समझे? नेचर अभी आपके पास रहता वाला बोर्ड रखो, वो क्या करे गरीबी चल रहा है। अभी मान लो जाएगा आज रेंट देने में हालत खराब वाली। रेंट? हां रे हो गया। क्या आपको चाहिए सर बोर्ड? ए अभी जगह हम किडनैप कर हमें पापा नंबर दे रहे हमको लगी। रेंट कितना हुआ आपको बता? 15 बिजली बिल के साथ विदाउट बिजली बिल 15,000। 10 मिनट बात हुआ था आपका, हुआ था बढ़ाया नहीं। देखा टाइमिंग में तो बढ़ाया ना, टाइमिंग बढ़ाया, रूम बढ़ाया, सब चीज बढ़ाया। रूम तो बढ़ाया ये तो रूम बढ़ गया। इसमें कुछ एलिमेंट लिक्विड भी है क्या?
लिक्विड भी है, कौन कौन बता तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे बता सकते जिसे मतलब तो कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स जो नहीं छोड़ता सर उसी को रेडियो एक्टिव मतलब डिकम्पोज होता है कुछ समय बाद जिससे हो सकते हैं ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू मॉडर्न फिजिक्स में वो भी चैप्टर 2 में है ना नहीं चैप्टर 2 में क्लास 12 का एंड में ठीक है होता है सीजियम एंड फ्रांसियम जो रेडियो एक्टिव वो लिक्विड भी है क्या लिक्विड इन स्टेट भी है ठीक है सर फ्रांसियम सर बहुत कुछ है सर हाँ बहुत कुछ है स्लिप्स का नाम फ्रांसियम था नाम मेरा था ना मिलता है एस ब्लॉक थोड़ा सा ये ब्रेन में था एस ब्लॉक जो था ना ये बच्चा था क्या था ये भी हल्का में डिस्कस की क्या किए ये हल्का में डिस्कस किए एस ब्लॉक को ठीक है इसमें पानी उड़ी के बारे में एस ब्लॉक चैप्टर है सर ये हल्का में डिस्कस किए ठीक है ना इलेवन ठीक है इसको यहीं पर रहने देते हैं दोनों को थोड़ा रेस्ट देते हैं ठीक है चलो